भारत एक के बाद एक चीन को झटके दिए जा रहा है। अब भारत ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का ऑर्डर हासिल करके। आपको बता दें कि फिलीपींस ने यह सौदा $375 मिलियन का किया है भारत के साथ। दक्षिणी चीन सागर में अपनी दादागिरी दिखा रहे चीन को बड़ा झटका लगा है। चीन के आक्रामक रवैये को झेल रहे फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग द्वारा ब्रह्मोस के अधिकारियों को इसकी सूचना भेज दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए यह पहला विदेशी ऑर्डर है। चीन के खिलाफ भारत पर भरोसा। इस सौदे में सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी सहयोगी देश फिलीपींस ने चीन के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारी के लिए भारत रूस द्वारा मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल पर भरोसा जताया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज यानी 4,321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला कर सकती है। फिलीपींस को आंखें दिखा रहे चीन को इस सौदे से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दक्षिणी चीन सागर में चीन के साथ फिलीपींस का अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस अपने तटीय इलाकों में तैनात कर सकता है। DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस इस मिसाइल का मित्र देशों को निर्यात करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। DRDO ने हाल ही में अमेरिका के साथ मेड इन इंडिया रडार का सौदा भी किया था। भारत को अन्य मित्र देशों से भी मिसाइल प्रणाली के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ और देशों के साथ इसे लेकर सौदेबाजी अभी अंतिम दौर में है। इस मिसाइल की क्षमताओं में वृद्धि हुई है और कई आधुनिक विशेषताओं से लैस किया गया है। चीन का एक और पड़ोसी देश वियतनाम भी भारत से यह मिसाइल सिस्टम खरीद सकता है। दोस्तों, आपको पता ही है चीन का अपने हर पड़ोसी के साथ विवाद चल रहा है। भारत इस बात का फायदा उठा सकता है उनको हथियार बेचकर और अपने पाले में उनको लाकर। भारत के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है ये। दोस्तों, आपको ये न्यूज कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।